उत्तर प्रदेश में एक लड़की को पुलिस ने तमंचे के साथ पकड़ा। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देख लीजिए। वीडियो के वायरल होने के बाद कई लोग ये दावा करने लगे कि ये लड़की मुस्लिम समुदाय से है। कुछ यूजर्स ने इस लड़की का नाम सलमा बेग बताया। ध्यान देने वाली बात है कि न्यूज 24 के ट्वीट में लड़की का नाम नहीं बताया गया है। तो क्या वाकई में तमंचा रखने वाली ये लड़की मुस्लिम समुदाय से है? इस घटना को लेकर कई मीडिया संगठनों ने खबर पब्लिश की थी। आज तक की रिपोर्ट में कोतवाली प्रभारी अनिल कुमार के हवाले से बताया गया है कि युवती का नाम करिश्मा यादव है और उसके मृत पिता का नाम पूरन सिंह यादव है। रिपोर्ट के अनुसार करिश्मा ने आरोप लगाया कि उसके परिवार के लोग उसकी हत्या कर उसकी जमीन हड़पना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी सुरक्षा के लिए तमंचा रखती है। कोतवाली थाना प्रभारी अनिल सिंह ने ऑल्ट न्यूज को बताया कि लड़की के मुस्लिम होने का दावा पूरी तरह से गलत है, वो हिंदू है। उन्होंने कहा कि युवती के खिलाफ शिकायत दर्ज कर जांच की जा रही है। वायरल ट्वीट पर जवाब देते हुए मैनपुरी पुलिस ने बताया कि तमंचे के साथ पकड़ी गई महिला शिक्षिका नहीं है, यानी यूपी में तमंचे के साथ गिरफ्तार की गई महिला का वीडियो झूठे सांप्रदायिक दावे के साथ शेयर किया गया। इस महिला का नाम सलमा बेग बताया गया, जबकि उसका नाम करिश्मा यादव है।